श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि एक्चुअली में सेक्स करने की जो अवधि है, जो संभोग की जो अवधि है, वो कितनी होनी चाहिए। ये एक ऐसा प्रश्न है जो प्रायः लोग पूछते हैं डॉक्टर से, पर इस संबंध में अलग अलग चिकित्सकों की अलग अलग राय है। कुछ चिकित्सक यह मानते हैं कि संभोग की अवधि जो है लिंग प्रवेश के बाद 3 से 4 मिनट होनी चाहिए, जबकि कुछ यह मानते हैं कि योनि में लिंग प्रवेश के बाद 15 मिनट तक संभोग किया जाना चाहिए। इस संबंध में जो हमारी राय है कि संभोग की जो आदर्श अवधि है वो होनी चाहिए जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों उत्तेजना की चरम सीमा पर पहुंच जाएं और दोनों ही संभोग की शारीरिक व मानसिक आनंद प्राप्त कर सके। वैसे जो वर्ल्ड एवरेज टाइम जो है संभोग की अवधि का लिंग प्रवेश के बाद वो 3 से 5 मिनट का है। वैसे संभोग 3 से 30 मिनट तक चल सकता है, ये सब आपके मेंटल स्थिति पर निर्भर करता है। 5 मिनट स्खलन की सबसे आम अवधि है जो थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है। कई पुरुष और महिलाएं संभोग की अवधि को लेकर असंतुष्ट होते हैं और चाहते हैं कि वो इस अवधि को बढ़ा सकें। अगर पुरुष वैसे सामान्य है और योनि में सामान्य चिकनाहट है तो संभोग की अवधि बढ़ाई जा सकती है। संभवतः 3 मिनट से कम की अवधि महिला और पुरुष दोनों के लिए ही असंतोष का कारण हो सकती है। एक बार उत्तेजित होने के बाद महिला कुछ समय बाद यौनानंद की लहर और उच्च बिंदु की स्थिति में पहुंच जाती है और 3 मिनट से कम की जो अवधि है उसमें सेटिस्फेक्शन का जो लेवल है औरतों का वो नहीं हो पाता है प्रॉपर। तो ये जो अवधि है वो 3 से 5 मिनट का है, ये एक परफेक्ट टाइमिंग है। बाकी अगर आप इसे बढ़ाना चाहते हैं तो आप अलग अलग पोश्चर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप वेट एंड स्टार्ट वाली अच्छी चीजें अपना सकते हैं। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।